नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। हमारे पाकिस्तानी पत्रकार मित्र उवेद भट्टी ने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है। उन्होंने अपने एनालिसिस में बड़ी अच्छी बातें कही है और बहुत ही निष्पक्षता से यह साबित किया है कि भारत और पाकिस्तान की मीडिया में कौन बेहतर तरीके से अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान में इस तरह की स्वीकृति कमी देखने को मिलती है, खासतौर से पाकिस्तानी पत्रकारों पर फौज और सरकार की शक्ति के चलते यहाँ इस तरह के एनालिसिस या रिपोर्टिंग बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यह मुल्क कभी नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान में बैठकर भारत की प्रशंसा करे, मगर उवेद भट्टी ने यह साहस करके दिखाया है। उन्होंने खुलकर अपने देश के पत्रकारों की न सिर्फ वास्तविकता बताई बल्कि भारतीय मीडिया कैसे विश्व में एक रुतबा रखती है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। आज उवेद भट्टी का यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तानी पत्रकार कैसे भारत की मीडिया की चाटुकारिता करके आगे बढ़ने के ख्वाब देखते हैं। पाक के साफी यानी यहाँ के तमाम पत्रकार और मीडिया संस्थान भारत के पिछलग्गू बनकर अपना बेड़ा पार करने की कोशिश में है। आइए देखते हैं उवेद भट्टी का यह शानदार वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उवेद भट्टी और आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर एक बहुत अहम तरीन मौजू पर मैं डिस्कशन करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया बमुकाबला भारतीय मीडिया। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों में ज़्यादा कम्पिटेंट कौन है और दोनों में से ज़्यादा नमक हलाल कौन है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया जो है उसकी कम्पिटेंसी कितनी है और भारतीय मीडिया की कम्पिटेंसी कितनी है, ये लोग किस तरह से गेम करते हैं, क्या कुछ हो रहा है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा इसी वीडियो के अंदर और वो है पाकिस्तान के जो खूनी लिबरल हैं, जिनको इमरान खान खूनी लिबरल कहते हैं लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि वो जहरीले लिबरल हैं, क्योंकि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो खून तो रहा नहीं तो इसलिए जहर उनके अंदर आ चुका है। तो उनकी कल एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी जूम के ऊपर, इसके अलावा सोशल मीडिया जो सारे प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर उन्होंने उसको सर्कुलेट किया, तो उसके हवाले से कुछ मामलात हुए। उन्होंने जो जो जहर उगला है पाकिस्तान के बारे में इससे पहले भी हो चुकी है, तो उसके हवाले से भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर, मंसूर अली खान, सलीम खान साफ़ी, कामरान खान और उसके अलावा जावेद चौधरी और बहुत सारे नाम हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं इस समय याद आ रहा है। आप इन लोगों को देखें एक टीवी पे बैठ के या कलम भी अगर लिखते हैं तो उसका मुद्दा क्या होता है? पाकिस्तानी सियासत, पार्टियां, फलां ये है, फलां वो है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां जगह ये हो गया, फलां जगह वो हो गया। साफ नज़र आता है कि ये लोग सहाफत की बजाय पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं। यानी इनको पता है कि हमारी सुनी जाती है, हमारा नाम है, हमारे कलम के अंदर ताकत है, हमारी ज़ुबान के अंदर ताकत है कि हम टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं तो एक दफ़ा दौड़े लग जाती हैं। तो इनकी जो सारी सहाफत है वो टोटल जो है वो इस बात पे मुनसर होती है कि हमने किस तरह चीज़ों को ऊपर और नीचे करना है, जिसको सपोर्ट देनी है उसको कैसे देनी है। जैसे शहबाज शरीफ है कि उसका इंटरव्यू कर लेता है सलीम साफ़ी, आज आसमा जो शराजी हैं उन्होंने भी कर लिया है, इससे पहले सलीम साफ़ी भी कर चुके हैं, उससे पहले सुहेल वड़ाइच उनका इंटरव्यू कर चुके हैं, वो जो पूरा एक इन्होंने बताया कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से डील हो रही थी, फिर जावेद चौधरी ने भी किया था। इसके अलावा जो दूसरे तबके का होगा वो इमरान खान का इंटरव्यू कर लेगा या सराजुल्लाह का कर लेगा, फजलुर रहमान का कर लेगा, जरदारी का कर लेगा, बिलावल का कर लेगा या कोई और सियासतदान है तो उसका कर लेगा। तो इनका सारा मतमय नज़र सिर्फ ये है। अगर आप इंग्लिश जर्नलिज्म की बात करें, जो पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश जर्नलिज्म जिसको लोग कहते हैं कि यार सम हाउ क्वालिटी जर्नलिज्म है, यानी दुनिया जो है वो ज़ाहिर इंग्लिश ज़ुबान जो है वो ज़्यादा उनको समझ आती है, दुनिया में अगर आपने किसी को कोरस्पॉन्डेंस करनी है तो इंग्लिश के अंदर आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इंग्लिश अखबार यूज़ करना पड़ेगा, डॉन हो गया, डेली टाइम्स हो गया, पाकिस्तान टुडे हो गया, इसके अलावा चंद एक और हैं। आप उनके अंदर देखें कि कितने मज़मून या कितनी खबरें ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को लेके लिखी गई होती हैं या बयान की गई होती हैं, उसमें भी मेजॉरिटी जो होती है वो पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को भी इस तरह से वो किया जाता है कि पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बना जा सके, ब्लैकमेलिंग हो सके। ना कि मकसद ये होता है कि जो एक सहाफत होती है कि जी चीज़ें लोगों के सामने आएँ, हुकूमत के सामने आएँ और इनके ऊपर जो एक्शन हो, सदेबाब हो सके। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जर्नलिज्म जो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं कि उनका मकसद दुनिया जो है उनके अंदर क्या चल रहा है उस पर बात हो, या पाकिस्तान का दुनिया के साथ क्या मामला है, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर कुछ तज़िया हो कि लोग पढ़ के कहें कि यार ये नई चीज़ पता लगी है, इंटरनेशनल सिनेरियो पे पाकिस्तान का क्या चल रहा है। इसके मुकाबले में जब आप भारतीय मीडिया को देखते हैं, अब उनको देखिए, भारतीय मीडिया जो है मेजॉरिटी उनके बड़े बड़े चैनल जो हैं वो इंग्लिश के हैं,
अब वो इंग्लिश वहाँ पे ज़्यादा समझी जाती है, इसलिए उनके मुल्क के अंदर भी जो इंग्लिश चैनल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनमें अर्नब गोस्वामी को आप देख लें, खास बहुत बड़ा नाम है कि वो बंदा जहर उगलता रहता है हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, मोदी के हक में बोलता है। इसके अलावा उनके जो बाकी टीवी चैनल्स और बाकी अखबार देख लें जो इंग्लिश के हैं खास तौर पे, जो दूसरी ज़ुबान के हैं वो तो हमें समझ बड़ी मुश्किल से आएंगे, तो वो सारे कंपेन किसके हक में कर रहे होते हैं, अपने मुल्क के हक में कि हमारा मुल्क ठीक है, हमारी पॉलिसी ठीक है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, उनकी फ़ौज ठीक है, उनके सियासतदान ठीक है, ख़ास तौर पर मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो तो ज़बरदस्त कर रहे हैं, इससे पहला कभी किसी ने किया ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो टारगेट करता है दो चीज़ों को, इमरान खान को टारगेट करता है और आर्मी को टारगेट करता है, और जोड़ा जाता है कि जो दोनों एक हैं या दो जो भी है इन दोनों को टारगेट करता है। उसकी रीज़न क्या है कि इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो सहाफ़ियों के दो धड़े थे, एक धड़ा पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता था, एक मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता था, दोनों ने बांटे हुए थे ना, ज़ाहिर है पैसा लगता है, मफादात हैं। फिर जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई खास तौर पर, तो ये सारा तबका जो था इनमें से मेजॉरिटी 80% से ज़्यादा जो सहाफ़ी हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका जो है उनको प्यारे हो चुके हैं, अब वो सारे इकट्ठे हैं, ये सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, इवन कि हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो भी इकट्ठी हैं, ये सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, खिलाफ किसके हैं, इमरान खान के खिलाफ और जो हमारी फ़ौज है उसके खिलाफ। ठीक है, फ़ौज के अंदर बहुत सारी चीज़ें खामियां खुदाइयां हर किसी में होती हैं, इंसान है, इदारों में होती हैं चीज़ें, लेकिन ये लोग जिस तरह से उनके ऊपर जहर उगलते हैं, जिस तरह से बात करते हैं ख़ास तौर पर, और दूसरी चीज़ कि हमारे जो सहाफ़ी हैं इनके भारतीय सहाफ़ियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि दी प्रिंट एक भारतीय मशहूर वेबसाइट भी है और मीडिया आउटलेट है, उसके ऊपर पाकिस्तानी सहाफ़ी और लिबरल जो हैं वो कॉलम लिखते हैं और भारतीय सहाफ़ी उस पर कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, पाकिस्तान में जो इनका पूरा एक जो कबीला है इन सहाफ़ियों का, इन लिबरल्स का, वो उसको शेयर करता है, और वो कॉलम या वो खबर किसके खिलाफ होती है, इमरान खान के खिलाफ, या इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रही होती है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि जी जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको प्रपोजल आया कि आर्मी के जो लोग हैं जो डिफेंस के अंडर आते हैं इनकी 20% सैलरियाँ बढ़ाई जाएं। वैसे भी गवर्नमेंट कह रही है आने वाले बजट में, क्योंकि महंगाई जो है ज़ाहिर है वो बढ़ रही है तो तनख्वाहें बढ़ती होती हैं। अब उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर पहले प्रोपोगंडा हुआ, अब भारतीय मीडिया उसके ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है, उसके पूरे पूरे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वो इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है नॉन प्रोफेशनल है, ये तो बस पैसे बढ़ाने के लिए कर रही है। फिर उसका जोड़ खींच खूँच के उन्होंने कश्मीर से भी जोड़ दिया, टेररिज्म से भी जोड़ दिया और हज़ार चीज़ों से जोड़ दिया, जबकि मुद्दा क्या था 20% सैलरी का। और यही काम हमारे साफ़ी भी कर रहे हैं और हमारे लिबरल्स भी कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, पाकिस्तान के जो जहरीले लिबरल जिनकी मैंने बात की है, जहरीले लिबरल्स ये वो लोग हैं जिनकी अपनी NGOs थी पहले, या इनका एंटी नेशनल एजेंडा था, या ख़ुद से सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन सेकुलर है नहीं, बेसिकली ये लादीन लोग हैं या दीन दुश्मनी है, इस्लाम से इनको दुश्मनी है। उसमें बड़े बड़े नाम गुल बुखारी, वकास गोराया, वो तकी है एक अपना शायर साहब हैं, उसके अलावा हुसैन हकानी जो हमारे किसी दौर के अंदर आसिफ अली जरदारी के दौर के अंदर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के जो है वो एम्बेसडर थे, और बाद में उनको जो वो तकलीफ़ उठी कि जी वो मेमो गेट वाला जो स्कैंडल हुआ था, जो इशू उठा था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसके बाद से फौज के खिलाफ हर वक्त बोगज़ उलग। इसके अलावा इंडिया के अंदर बैठे हुए तारिक फतेह, उसके बाद आयशा सिद्दीका, उसके बाद अफरासियाब खटब जो साबिक सेनेटर हैं ANP की तरफ से, वो उनकी जो वो बुशरा गौहर गालबन उनकी बीवी हैं या क्या हैं वो, उसके अलावा और बहुत सारे ये नाम हैं, ये सारे लोग मिलजुल के, फिर बल्कि एक बड़ा नाम मैं भूल गया, ताहा सिद्दीकी जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से फरार हुआ और बाहर जाके उसने असाइलम ले लिया क्योंकि फौज ने उन पर अटैक किया। अब ये सब लोगों ने क्या किया, इससे पहले भी इन्होंने एक फोरम कायम किया, 7 फोरम, उसके ऊपर बैठ के ये लोग इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बाकायदा जहर उगलते हैं, शोर मचाते हैं दुनिया के सामने। और अंदाज़ा करें इन लोगों की जहनी हालत का कि इन वो जो कश्मीर में भारत कर रहा है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है, मतलब अकल में इस बात मानने में आती है कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कश्मीर से उसका कंपैरिजन हो सकता है, कि ये अपनी आर्मी को बुरा कहने के लिए, अपनी तो नहीं मतलब हमारी आर्मी को बुरा कहने के लिए, ये भारत की जो आर्मी है उसकी सपोर्ट करते हैं। आपको कभी कोई बयान नज़र नहीं आएगा इनका मोदी के खिलाफ, वो चाहे जितने मर्जी मुसलमान मार दे, जितने मर्जी दलित मार दे, जितने मर्जी ईसाई मार दे, अकलियतों को जो मर्जी कर दे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई आपको नहीं इनका बयान नज़र आएगा। फिर ये कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया उस पर बोल पड़ी है, लेकिन आपको ये लोग बोलते दिखाई नहीं देंगे। इनका हर वक्त टारगेट इमरान खान होगा, हर वक्त टारगेट जो है वो पाक फौज होगी, कि फौज ने ये कर दिया, फौज ने वो कर दिया, फलां कर दिया, लूट लिया। मैं एक छोटा सा इस पर सवाल करता हूँ कि बात ये होती है कि ये कहते हैं ना कि ये चौकीदार हैं हमारे, तो ये चौकीदार ने लूट लिया। सवाल ये है कि मैं बड़ी बात नहीं करता, लोगों को बुरा भी लग जाता है,
कि जिस घर का मालिक जो होता है ना, जो बड़ा होता है, अगर उसके अंदर इखलाकी ताकत ना हो, वो खुद चोर हो, करप्ट हो, तो वो घर के चौकीदार को भी किस मुंह से रोकेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। जब हमारे मालिक ही करप्ट थे, हमारे मालिक ही चोर थे, डकैत थे, हमें लूटते रहे, एक मुल्क को डबो दिया, कर्जों के अंदर लूट मार करते रहे, निकल गए, अब ये किस मुंह से बातें करते हैं कि उन्होंने ऐसे किया। जाहिर है जवाब तो यही लोग बख्शते हैं ना, नीचे सारे इदारे देख लें, सब कुछ देख लें, तो ये लोग बहाना ढूंढते हैं, ये अपने मालिकों को नहीं कहते, वही मालिक जो हमारे घर के मालिक थे पहले, ये इनके भी मालिक हैं, क्योंकि इन लोगों की एनजीओज थी, इनको पैसा मिलता था। जब से इनकी एनजीओज बंद हुई, फौज ने कहा, इदारों ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे उन्होंने कहा कि ये एनजीओज मुल्क के खिलाफ काम कर रही हैं, एजेंडे पे हैं और बाहर से पैसा लेती हैं, इनके फंड्स बंद कर दिए गए, इनकी जो एनजीओज थी उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी गई। उस दिन से ये लोग शदीद तकलीफ में मुबतला हैं, क्योंकि एक तो इनके जो महबूब लीडर थे, पीपल्स पार्टी जो थी, उसकी हुकूमत नहीं है, सिंध में हुकूमत है, उसकी सपोर्ट करते हैं। नवाज शरीफ जो था वो नहल हो गया, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई, इमरान खान आ गया, ये बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जब वो हुकूमत में था पैसे देता था, एड्स मिलते थे मीडिया को, लिबरल्स की एनजीओज को पैसे मिलते थे कि मेरे हक में बोलो, इनके ज़ाहिर अकाउंट हैं सोशल मीडिया पे, बड़े अकाउंट हैं, अखबारात में लिख लेते हैं, कुछ इनमें से साफ़ी हैं लिबरल्स जो हैं जहरीले, और कुछ जो हैं वो वैसे लिबरल्स हैं, वैसे उन्होंने सोशल एक्टिविज्म जो है उसका लिबादा उड़ा हुआ है, तो इन लोगों को बड़े बेनिफिट्स मिलते थे। चौधरी निसार अली खान पीपल, हालांकि वो नून लीग से हैं, उनके साथ भी इन लोगों को बोग्स और नफरत है, और उसकी वजह क्या है कि चौधरी निसार अली खान वो वज़ीर दाखिला है जिन्होंने सबसे पहले इन एनजीओज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो ये लोग उनको भी गालियाँ निकालते हैं। दूसरा, वो नवाज शरीफ के साथ खड़े नहीं हुए, तो ये भी एक वजह है कि ये लोग उनको गालियाँ देते हैं। इमरान खान और जो फौज है, अब जाहिर है वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मजीद एनजीओज जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, ख़त्म किया गया, जो बैरूनी फंडिंग थी उसको रोका गया, बल्कि बाकायदा बताया गया कि ये एनजीओज जो हैं फॉरन एजेंडे पे हैं, ये पैसा ले रही हैं बाहर से। अब इनकी एनजीओज बंद हो गई, इनमें से आधे से ज़्यादा मुल्क से फरार हो चुके हैं, बाहर बैठे हुए हैं और ऑनलाइन जूम जो एप्लीकेशन है उस पर बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कि उसमें डिस्कस क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर फौज के हालात ठीक नहीं, मामला ठीक नहीं है, इमरान खान पपेट है, फलां है, फलां है, फलां है, और बाहर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, इंडिया की तारीफें कर रहे होते हैं। आप ट्विटर पर देख सकते हैं, कल ट्रेंड चल रहा था साथ कॉन्फ्रेंस, अब पता नहीं इनका कौन सा साथ है, जहरीले लिबरल्स का आपस में अल्लाह जाने, लेकिन इन्होंने जो साथ बनाया हुआ है उस पर जनाब डिस्कशन होती रही, 18वीं तरमीम पे बातें हुई कि जी सिंध को नुकसान दिया जा रहा है, तो पंजाब केपी के भी तो इसका सूबा है ना पाकिस्तान का, बाकी जो मतलब बलोचिस्तान है, लेकिन इन्हों जो बात की, इन्होंने बार बार बात की वो जी सिंध के साथ जुल्म नहीं होने देंगे, सिंध के साथ। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 18वीं तरमीम पे जो क्यों शोर मचा रहे थे, क्योंकि 2010 में जो इन्होंने वो तरमीम पास करवाई थी उसका मकसद ये था कि बाद में पता नहीं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए ना आए, लेकिन सिंध में तो गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि जाहिर है जो सिंधी हैं वो इनको वोट देते हैं, फिर वहाँ का जो एक कल्चर इन्होंने बाकायदा ग्रैब किया हुआ है, रिग किया हुआ पूरा सिस्टम, सरकारी इदारों में अपने लोग हैं, और वो इनकी हुकूमत अब तीसरी दफ़ा कंजक्टिव गवर्नमेंट है, वहाँ पे 12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इनकी गवर्नमेंट है, इसीलिए 18वीं तरमीम बनाई गई थी कि हम अपने बेनिफिट्स लेते रहेंगे सूबों में बैठ के, वफाक में ना भी हुकूमत हो तो खैर है, देखी जाएगी, वैसे भी ये सारे जो लिबरल्स हैं और दूसरे तीसरे मीडिया है इनको हम साथ मिलाए रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में दो दफ़ा जो लगातार हुकूमत थी वो शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने भी जो हज़ारों अरब रुपए खर्चे हैं पंजाब के अंदर, जो इनको NFC अवार्ड के तहत मिलते रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद, अल्लाह जाने किधर लगे, क्या कहाँ गए, उसकी तहकीकात हो रही हैं, बाद में पता चलेगा कि वो जो कर्जा था, वो जो पैसे थे वो किधर लगाए, किधर गया। 3000 जो है करोड़ है वो तो लाहौर पे लगा दिया, कहाँ लगा, क्या मतलब, ये चांद एक मेट्रो, ये वो चीज़ें नज़र आती हैं कंक्रीट की, इसके अलावा क्या है, कोई यहाँ का सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, यहाँ का पानी का मसाइल है, 4 अरब रुपये लगा, पानी नहीं लोगों को साफ मिल सका, और हज़ार चीज़ें। लेकिन ये लिबरल जो हैं, ये भारतीय मीडिया के साथ इनका कोलेबोरेशन है, लेकिन एक बात मानने की है कि भारतीय मीडिया इनके मुकाबले में नमक हलाल है, वो अपने मुल्क का नमक हलाल करता है, अपने मुल्क के बारे में इस तरह बकवास नहीं करता, बोलता नहीं है, आलमी फोरम से बैठ के खप नहीं डालता, या जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको कह के अपनी वो जो ट्वीट्स होती हैं या अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको रीट्वीट नहीं करवाता, उनके ऊपर प्रोपेगंडा नहीं करवाता, जिस तरह हमारे मुल्क में बैठा हुआ सहाफ़ी और ये जहरीले लिबरल्स करवा रहे हैं। आप सोशल मीडिया खोलें, आपको इनकी सबकी प्रोफाइल मिल जाएंगी, आपको हर चीज़ मिल जाएगी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कैलिबर क्या है, मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये बात करता हूँ कि मुझे कोई एक नाम बता दें जिसका आलमी मीडिया में नाम हो, कोई एक नाम। हामिद मीर कहते हैं, कालम लिखते हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए, कि जो वहाँ जिक्र आता हो कि जी पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा जस्साफ़ी है जो इंटरनेशनल मामलात को डिस्कस कर रहा है कि पाकिस्तान का क्या मामला है, अफगानिस्तान का क्या मामला है, इंडिया का क्या मामला है, अमेरिका का क्या मामला है, तुर्की का क्या मामला है, या मंसूर अली खान लिखता है, जावेद चौधरी लिखता हो, सलीम साफ़ी लिखता हो, मतलब कोई एक, तल्लत हुसैन लिखता हो, कोई मुझे बता दें कि जो इस तरह लिखता हो जिसका नाम हो, जैसे दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनका नाम है। मतलब आप बरखा दत्त की बात करते हैं भारत की, उसका कम अज़ कम ये तो है,
उसके बाद राजदीप सर देसाई जो है वो है, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं। तो कैलिबर इनका ये है कि अपने मुल्क के अंदर बस सिर्फ उंगलियां कर सकते हैं, शोर करवा सकते हैं, पावर पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, भारतीय सहाफियों के पीछे पीछे उनके साथ चलते हैं क्योंकि वो उनका दुनिया में थोड़ा बड़ा नाम है, तो ये उनको सपोर्ट करते हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे सहाफ़ी माशाल्लाह से नमक हराम है कि अपने मुल्क का खाते हैं और अपने मुल्क के खिलाफ ही चीज़ें बोलते हैं। हाँ, नवाज शरीफ और जरदारी हुकूमत में आ जाए तो आप देख लीजिएगा ये लोग दोबारा से दो गिरोह में बढ़ जाएंगे, क्योंकि आधे उनके तनख्वाहदार हैं, आधे इनके तनख्वाहदार हैं। जो मजहबी लोग हैं वो भी इसी तरह से हैं कि ये सब इकट्ठे हैं। आप देख लें, काउंट करके देख लें कि सारी जमातें, ये लिबरल सहाफ़ी और इसके बाद ये जहरीले लिबरल सब इकट्ठे थे जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ फजलुर्रहमान धरना देने इस्लामाबाद निकला था। पीपल्स पार्टी भी साथ थी, जमात इस्लामी भी साथ थी, फजलुर्रहमान भी साथ था, नून लीग भी साथ थी, ANP भी साथ थी और भी बहुत सारे लोग साथ थे। तो निचोड़ ये है कि पाकिस्तानी जो मीडिया है ये नमक हराम, और जो भारतीय मीडिया है कम से कम उसका क्रेडिट ये है कि वो नमक हलाल है, जो भी करता है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए करता है। हमारे नसीब में हमारी ये बदकिस्मती है कि ये जहरीले लिबरल्स और ये नकारा निकट्टू पुराने बाबे जो हमारे साफ़ी बैठे हुए हैं कि नए लोगों को ऊपर आने नहीं देते, और ख़ुद ये जनाब बैठ के सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं इनकी सहाफत का, कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई नाम नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया को कोट करे। माशाल्लाह एक साफ़ी थे उमर चीमा साहब कि उनको इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने अपने साथ मिलाया, एक वो जो स्कैंडल था करप्शन का पनामा वाला, वो लीक कर मतलब वो दुनिया को बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब जो माशाल्लाह जियो के साफ़ी थे, और जियो का तो रिकॉर्ड है कि 85 से लेकर वो नून लीग का बहुत बड़ा गुलाम है, तो उन्होंने जनाब बड़े तरीके से उनके साथ डील तय की, पैसा लिया, लॉबिंग का किरदार अदा किया। उमर चीमा ने पहले ये स्कैंडल ब्रेक कराया और फिर आज तक वो ये बात साबित करने पर लगा हुआ है कि पनामा झूठ था, नवाज शरीफ को गलत नायल किया गया। तो ये इन लोगों की असलियत है, ये औकात है।